नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज अ सोनोमीटर वायर सपोर्ट्स 4 के लोड एंड वाइब्रेट्स इन फंडामेंटल मोड विद अ ट्यूनिंग विदिंग्रिक्वेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी 416 हर्ट्ज नाउ लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन द ब्रिज एंड ब्रिज इज नाउ डबल्ड इन ऑर्डर टू मेंटेन फंडामेंटल मोड लोड शुड बी चेंज टू और हमारे ऑप्शन है 1 के 2 टू 8 जी या फिर 16 जी नाउ दिस इज द सिनेरियो ये आपका सोनोमीटर की वायर है और लेट्स से हमने यहां पे अपना वो लगा रखा है और ये आपका लोड यहाँ पे ऐसे लटका हुआ है ये आपका टेबल है और ये आपकी लेंथ हैल है ना यहाँ पे आपकी फंडामेंटल मोड जो आया आ, वो आया पहले एक्सटर्नल सोर्स रखा हमने तो फंडामेंटल मोड आया आपका 416 सौ सोलह हर्ट्स अलग ना अब इसके बाद क्या किया हमने यहाँ पे इसको जो आपका सपोर्ट है उसको इंक्रीज कर दिया उसकी लेंथ यहाँ पे अब हमने सोनोमीटर की वायर जो है उसकी लेंथ यहाँ पे डबल कर दी सो दिस इज सोनोमीटर और वह आपने पहले लेंथ हल था इसको यहाँ पे ले गए और ये आपकी लेंथ हम टूएल्व हो गई ना अगर हमें फिर यहाँ पे फंडामेंटल मोड चाहिए तो इसके लिए हम कह सकते हैं तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी चार सौ सोलह हट सो वी कैन से एफ नॉट जो पहले वाले केस के लिए हम लिखेंगे इसकी एफ नॉट की जो वैल्यू है वो आ जाएगा आपका वी डिवाइडेड बाई टूवेल्व और वी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू वी बाय टूवेल्व अंडर रूट टी बायू और इसकी वैल्यू आपको चार सौ सोलह दे रखी है ना इस सिनेरियो में अब हमने लेंथ अपनी डबल कर दी है सो so, आपको अब जब एफ नॉट डैश की एग्जैक्ट सेम वैल्यू चाहिए तो इस केस में आपकी ये रिलेशन हो गया वन बाय ट्वाइस लेंथ आपकी टूएल हो गई मल्टीप्लाइड बाय ये आ गया आपका टी डैश म्यू ना इसकी वैल्यू अगर uh, हमें वापस चार सौ सोलह चाहिए तो इसका मतलब है लेंथ आपका डबल हो गया है तो यहाँ जो टेंशन है उसको हमें फोर टाइम्स करना पड़ेगा तो टी डैश विल बी इक्वल टू फोर्टी हाँ फॉर द सिंपल रीज़न के नीचे आपका टू आ गया तो अंडर उड फोर होएगा तो टू आपका वहाँ कैंसिल हो गया तो टी डैश शुड बी इक्वल टू फोर पहले अगर यहाँ पे आपका फोर किलोग्राम लटका हुआ था तो इसका मतलब है टी डैश जो है उसकी वैल्यू हो गई फोर मल्टीप्लाइड बाय टी डैश जो है पहले आपका फोर के जी था फोर के जी मल्टीप्लाइड बाय जी और अब यहाँ पे टी डैश के लिए अगर आपको ये चार गुना वैल्यू चाहिए सो दिस विल बी इक्वल टू सिक्सटीन जी इसको ऐसे लिख लेते हैं सिक्सटीन के जी इन जी किलो वॉट लिख लेते हैं यहाँ पे के जी मल्टीप्लाइड बाय जी मल्टीप्लाइड बाय जी यानी कि आपका वेट जो है दैट शुड बी 16 के जी नाउ सो ऑप्शन फोर 16 के जी देट वुड बी द राइट आंसर